Assalamu alaikum students. Today we are going to learn ratio and root tests for convergence and divergence of infinite series. Basically, जिस तरह हमने last lectures में nth term test, integral test, comparison test and limit comparison test study किया था convergence और divergence check करने के लिए infinite series की, इसी तरह रेशियो एंड रूट टेस्ट जो हैं वो हमारे पास हेल्पफुल हैं कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करने के लिए। तो सबसे पहले रेशियो टेस्ट की बात करते हैं। रेशियो टेस्ट में अगर हमें कोई सीरीज़ गिवन हो जिसकी टर्म्स हमारे पास ए एन की फॉर्म में हूँ और सारी टर्म्स हमारे पास पॉजिटिव टर्म्स हूँ, तो ऐसी सीरीज़ जो है हमारे पास उसकी कन्वर्जेंस हम चेक कर सकते हैं अगर हमारे पास हम उनकी रेशियो कंसिडर करें, यानी कि ए एन प्लस वंथ टर्म डिवाइडेड बाय ए एन टर्म, यानी कि इन दोनों टर्म्स की अगर हम रेशियो कंसिडर करें और लिमिट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हम कंसिडर करें और आंसर हमारे पास कोई नंबर आए, यानी कि पी की फॉर्म में, रो की फॉर्म में कोई नंबर आ रहा है हमारे पास, ठीक है, तो सीरीज़ कन्वर्ज करेगी अगर हमारे पास पी की वैल्यू लेस देन वन हो, और सीरीज़ डाइवर्ज करेगी इफ़ पी इज़ ग्रेटर देन वन, और ग्रेटर देन वन नंबर्स में आपके पास इन्फिनिटी भी आ जाता है। इसी तरह टेस्ट जो है वो इनकनक्लूसिव होगा आपके पास, या टेस्ट जो है वो फेल हो जाएगा, आपको कोई आंसर नहीं दे सकेगा इफ़ पी इज़ ग्रेटर देन पी इक्वल्स टू वन। हम इसको एक एग्ज़ाम्पल से मज़ीद अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से let's say he's asking us to investigate the convergence of the following series or series jo hame given hai, let's say that is n equal to 0 to infinity 2 raised to the power n प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू द पावर एन। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई रेशियो टेस्ट ऑन दिस सीरीज। नाउ वी हैव ए एन इक्वल्स टू, विच इज एंथ टर्म ऑफ द सीरीज, 2n प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू द पावर एन। नाउ ए एन प्लस 1 मीन्स द नेक्स्ट टर्म टू ए एन, सो वी हैव टू एड 1 इन एन। ओके, सो एन में जहाँ जहाँ पे भी आपके पास एन है वहाँ पे आप वन ऐड करते जाएंगे तो आपके पास ए एन प्लस वन टर्म आ जाएगी। नाउ वी हैव टू फाइंड लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन डिवाइडेड बाय ए एन। नाउ दिस मीन्स दैट वी हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ ए एन प्लस वन एंड ए एन। ए एन प्लस वन इज 2n प्लस 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3n plus 1 whole divided by a n, and the value of a n is 2n plus 5 divided by 3n. So this is ratio of a n plus 1 divided by a n. Now limit n approaches to infinity 2n plus 1 plus 5 डिवाइड बाय 3n प्लस 1 को आप ब्रेक करें तो आप लिख सकते हैं 3n एंड 3 रेज टू द पावर 1 डिवाइड बाय 2n प्लस 5 डिवाइड बाय 3 रेज टू द पावर n। ये 3 रेज टू द पावर n जो है ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 रेज टू द पावर n प्लस 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 2n प्लस 5। इसको आप अगर सिंपल करके लिखना चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 रेज टू द पावर n प्लस 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय, जिस तरह फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं उस तरह अगर आप सॉल्व करें तो आपके पास आ जाएगा 2n प्लस 5 डिवाइडेड 2n प्लस 5। ओके, 1 ओवर 3 आप कॉमन ले सकते हैं, ये तो यहाँ पे 3 है,
तो इसको आप कॉमन ले सकते हैं, अगर यहाँ पे भी आप रखना चाहें तो कोई मसला नहीं है। तो इसको मज़ीद अगर आप सिंप्लीफाई करें तो लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, ऊपर जो आपके पास एन टू एन प्लस वन है उसको आप उसी तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, प्लस फाइव डिवाइड बाई थ्री इंटू टू एन प्लस फाइव। ओके, यहाँ से आप टू एन को कामन कंसिडर कर सकते हैं, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में से टू एन को अगर आप कामन ले लें तो आपके पास बचेगा टू प्लस फाइव डिवाइड बाई टू रेज टू द पावर एन डिवाइडेड बाई थ्री, और यहाँ से टू एन हमने कामन ले लिया तो वन प्लस फाइव डिवाइड बाई टू रेज टू द पावर एन। टू एन और टू एन कैंसिल हो जाएगा, एन की वैल्यूज़ अगर आप पुट कर दें तो फाइव डिवाइडेड बाई टू रेज टू द पावर इन्फिनिटी प्लस थ्री इंटू वन प्लस फाइव डिवाइड बाई टू रेज टू द पावर इन्फिनिटी। टू रेज टू द पावर इन्फिनिटी इक्वल्स टू इन्फिनिटी एंड फाइव डिवाइडेड बाई टू रेज टू द पावर इन्फिनिटी विल गिव यू फाइव डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो, सो टू डिवाइडेड बाई थ्री। ओके, द आंसर इज टू डिवाइडेड बाई थ्री। नाउ टू डिवाइड बाई थ्री इज़ अ नंबर विच इज़ लेस देन वन, क्लियरली टू रेज टू द टू डिवाइड बाई थ्री इज लेस देन वन, एंड वेन द आंसर इज लेस देन वन देन अकॉर्डिंग टू रेशियो टेस्ट द सीरीज कन्वर्जिस। ओके, सो वी हैव अप्लाइड रूट रेशियो टेस्ट एंड आवर आंसर इज लेस देन वन, सो अकॉर्डिंग टू रेशियो टेस्ट दिस सीरीज कन्वर्जिस, हेंस सीरीज कन्वर्जिस बाय रेशियो टेस्ट। नाउ कीप इन माइंड डैट इस मेथड के जरिए हमने जस्ट कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक कर सकते हैं, हमने कन्वर्जेंस फाइंड की है, दिस इज नॉट द सम ऑफ सीरीज। ओके, सो कीप इन माइंड डैट दिस इज नॉट द सम ऑफ सीरीज बाय दिस टेस्ट विच इज रेशियो टेस्ट टेस्ट वी कैन जस्ट फाइंड और चेक द कन्वर्जेंस डैट वेदर अ सीरीज कन्वर्ज और डाइवर्ज। नाउ इफ वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द सम, सो टू फाइंड द सम वी हैव टू अप्लाई द मैथड्स टू कैलकुलेट द सम विच वॉज ज्योमेट्रिक सीरीज मैथड। वी हैव सीरीज, द सीरीज इन आवर केस इज एन गोज टू 0 to infinity 2 raised to the power n plus 5 divided by 3 raised to the power n. Now in terms ko agar aap break kar le to aap isko likh sakte hain 2 raised to the power n divided by 3 n plus, yani ke numerator ki dono terms ko humne yahan pe break kar liya aur ye hamare paas aa jayega 5 divided by 3 raised to the power n. Let's say दिस इज़ इक्वेशन वन और हम सम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ये भी हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है और ये भी हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। ठीक है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ हैं दोनों हमारे पास, तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ ऐड करने के जो फार्मूलाज हैं वो हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म को कंसिडर करते हैं, एन इक्वल्स टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी टू रेज टू द पावर एन डिवाइडेड बाई थ्री रेज टू द पावर एन। अगर आप इसको ओपन करें, एन की वैल्यूज़ जो हैं वो आप यहाँ पे पुट करते जाएं, बेसिकली इस को आप लिख सकते हैं, सॉरी एन की वैल्यूज़ अगर आप पुट करते जाएं तो एन रेज टू द पावर ज़ीरो डिवाइड बाय ज़ीरो प्लस टू रेज टू द पावर वन डिवाइड बाय थ्री रेज टू पावर वन प्लस टू रेज टू पावर टू डिवाइड बाय थ्री रेज टू पावर टू प्लस टू रेज टू पावर थ्री डिवाइड बाय थ्री रेज टू पावर थ्री एंड सो ऑन। तो ये सीरीज़ जो हमारे पास आएगी डैट विल बी वन प्लस टू ओवर थ्री प्लस फोर ओवर नाइन प्लस 8 ओवर 27 एंड सो ऑन। सो दिस इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज एंड ए इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म विच इज 1 एंड आर इज रेशियो ऑफ सेकेंड एंड फर्स्ट टर्म विच इज
2 divided by 3 divided by 1. And the answer is 2 divided by 3. So the ratio is 2 divided by 3, which is clearly less than 1. And whenever we have a ratio less than 1 in case of geometric series, the formula for sum is a divided by 1 minus r. Okay. ये हमने सेकंड लेक्चर में, इस चैप्टर के सेकंड लेक्चर में 11.2 में हमने ये डिस्कस किया था. सो ए की वैल्यू और आर की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दें, एलसीएम लें, तो आंसर आपके पास आएगा 3 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू 3. तो पहली सीरीज का सम हमारे पास 3 आ गया. अब जो दूसरी सीरीज थी हमारे पास, विच इज समेशन एन इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी 5 डिवाइडेड बाय 3n, तो दूसरी सीरीज थी हमारे पास 5 डिवाइड बाई 3n. तो ये सीरीज हमारे पास आएगी 5 डिवाइड बाई 3 पावर 0, 5 डिवाइड बाई 3 पावर 1, 5 डिवाइड बाई 3 पावर 2 एंड सो ऑन. यानी कि 5 डिवाइड बाई 1 प्लस 5 डिवाइड बाई 3 प्लस 5 डिवाइड बाई 9 एंड सो ऑन. इस केस में a की वैल्यू, a आप फर्स्ट टर्म को कहते हैं तो 5 आ जाएगी. r की वैल्यू यानी कि सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 5 डिवाइड बाई 3 है, फर्स्ट टर्म 5 है, तो आंसर आपके पास आ जाएगा इस केस में 1 डिवाइडेड बाय 3. 5 5 कैंसिल हो जाएंगे और 1 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा. 1 डिवाइडेड बाय 3 इज अगेन लेस देन 1. तो सम का फार्मूला आपके पास इस केस में होगा a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r. a की वैल्यू 5 है और r की वैल्यू 1 ओवर 3 है. जब आप इसको सॉल्व करेंगे यानी कि एलसीएम लेने के बाद जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो आंसर जो आपके पास यहां से आएगा सम का, दैट इज 15 डिवाइडेड बाय 2. तो हमने यहाँ से इक्वेशन ए में फर्स्ट सीरीज का सम कैलकुलेट किया, इक्वेशन बी में हमने सेकंड सीरीज का सम कैलकुलेट किया. इन दोनों वैल्यूज को अगर आप इक्वेशन वन में पुट कर दें दोनों सम्स को, तो आपके पास समेशन एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 2n प्लस 5 डिवाइड बाय 3n, जिसको हमने ब्रेक करके 2 सीरीज की फॉर्म में लिखा था, यानी कि 2n डिवाइड बाय 3n प्लस समेशन एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 5 डिवाइड बाई 3n. तो पहली सीरीज का सम हमारे पास आया था 3 और दूसरी सीरीज का सम हमारे पास आया था 15 डिवाइडेड बाई 2. एलसीएम लें तो आपके पास जो सम आएगा डेट विल बी 21 ओवर 2. और सम आपके पास एक कन्वर्जेंट नंबर आ रहा है, एक स्पेसिफिक नंबर की फॉर्म में आ रहा है, तो यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि सीरीज कन्वर्ज करती है. और सम कैलकुलेट किए बगैर हमने यहाँ पे शुरू में रेशियो टेस्ट अप्लाई करके तो चेक कर लिया था कि आंसर जो है इस सीरीज के सम का वो कन्वर्जेंट आंसर ही होगा, ठीक है. लेकिन हमने सम नहीं कैलकुलेट किया था, ये बात आप याद रखें, हमने जस्ट कन्वर्जेंस कैलकुलेट की थी. अब अगर हम सम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें जो ज्योमेट्रिक सीरीज के फार्मूलाज हैं सम कैलकुलेट करने के, वो अप्लाई करने पड़ेंगे. और ये हमारे पास सम आ गया इस सीरीज का. ओके, नाउ नेक्स्ट टेस्ट जो है हमारे पास, डेट इज रूट टेस्ट. और रूट टेस्ट बेसिकली ये कहता है कि अगर आपके पास कोई सीरीज हो जिसकी टर्म्स ए एन से आप रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर आप लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी उस सीरीज पे अप्लाई करें और आप उसकी जो है रूट कंसिडर करें, एंथ रूट, यानी कि बेसिकली ये बात लिखी हुई है लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन होल पावर वन ओवर एन. एंथ रूट का मतलब है होल पावर वन ओवर एन. तो अगर आप वन ओवर एंथ पावर कंसिडर करें और साथ में लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई करें, और आपके पास आंसर जो आए, कोई नंबर आएगा, कोई वैल्यू आएगी पी, और अगर पी लेस देन वन है तो कन्वर्ज करेगी सीरीज, अगर पी ग्रेटर देन वन है तो सीरीज डाइवर्ज करेगी, और अगर पी इक्वल्स टू वन आ जाए तो टेस्ट इज इनकनक्लूसिव, यानी कि टेस्ट जो है वो फेल हो जाएगा, हमें कोई और मेथड जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा सीरीज की कन्वर्जेंस चेक करने के लिए. तो अगेन यहाँ पे भी वही रूल्स हैं आपके पास, रूट टेस्ट और रेशियो टेस्ट दोनों में अगर आपके पास आंसर जो है वो लेस देन वन आए तो सीरीज कन्वर्ज करती है, ग्रेटर देन वन आए या इन्फिनिटी आए तो आपके पास सीरीज डाइवर्ज करती है, और अगर आंसर वन के इक्वल आ जाए तो टेस्ट जो है वो फेल हो जाता है. तो इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं टू अंडरस्टैंड रूट टेस्ट. समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 2 रेज टू द पावर एन डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एंड वी वांट टू चेक इट्स कन्वर्जेंस. ओके, अप्लाइंग रूट टेस्ट,
So limit n approaches to infinity a n whole power 1 over n equals to limit n approaches to infinity a n यानी के nth term जो कि हमारे पास है 2n divided by n square और इसकी power हम ले लेंगे 1 over n. Okay, तो इस power को distribute कर देते हैं denominator और numerator पे, तो 2 raised to the power n whole power 1 over n divided by n square whole power 1 over n. तो n और n यहाँ पे cancel हो जाएंगे और ये हमारे पास आएगा limit n approaches to infinity 2 divided by n power 1 over n और साथ में square भी है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 divided by n. यहाँ पे मैं इसको एक और simple form में लिख सकता हूँ, limit 2 divided by n power 1 over n whole square. Square को हम whole square की form में consider कर लेते हैं और अब इसको लिखा जा सकता है 2 divided by limit n approaches to infinity n power 1 over n whole square. Okay, यहाँ पे अगर आपको theorem याद हो जो 11.2 में हमने apply किया था, जब भी आपके पास n power 1 over n हो और n approach कर रहा हो infinity को, तो answer जो है आपके पास 1 आता है, तो 1 square equals to 2. और 2 is greater than 1. जब आपके पास root test के मुताबिक या ratio test के मुताबिक answer जो है p का answer, ये basically 2 जो है, ये p आया है हमारा, अगर ये greater than 1 आए, तो हमारे पास जो series है, वो diverge करती है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर answer आपके पास पार्ट बी में, अगर आप देखें केस बी में, तो अगर आंसर आपके पास ग्रेटर देन 1 आए या इन्फिनिटी आए, तो सीरीज जो है वो डाइवर्जेंट होती है. हेंस यहां पे आप कह सकते हैं, हेंस गिवन सीरीज डाइवर्जेस अकॉर्डिंग टू रूट टेस्ट. हमने रूट टेस्ट अप्लाई किया, आंसर 2 के इक्वल आया, विच इज ग्रेटर देन 1, सो गिवन सीरीज डाइवर्जेस. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 11.5 ऑफ थॉमस कैलकुलस. क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व करने हैं, दोज आर क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 20 एंड क्वेश्चन नंबर 39 टू क्वेश्चन नंबर 42. ये हमने क्वेश्चंस जो हैं, 25 क्वेश्चंस हैं ये हमने सॉल्व करने हैं. तो जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट सेज चेक कन्वर्जेंस ऑफ द गिवन सीरीज प्लस कीप इन माइंड दैट देयर आर मोर देन वन वे to determine the convergence. Okay, यहाँ पे सिर्फ हमने ratio और root test पे focus नहीं करना, बल्कि हम पहले जितने methods सीख चुके हैं, उन सारों को हमने mind में रखते हुए convergence जो है वो find करनी होगी. तो हम कितने methods सीख चुके हैं, आज के lecture में हमने root test, ratio test, ये दो मेथड सीखे. 11.1 में हमने nth टर्म टेस्ट जो है वो सीखा था. उसके बाद 11.2 में हमने इंटेग्रल, 11.2 और 3 में हमने इंटेग्रल टेस्ट जो है उसको स्टडी किया था. उसके बाद हमने कंपैरिजन टेस्ट में डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट और उसके बाद हमने एक और टेस्ट लिमिट कंपैरिजन टेस्ट जो है वो भी स्टडी किया था. और आज हमने दो मज़ीद टेस्ट जो हैं वो देख लिए. तो ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 6 टेस्ट जो हैं वो बन जाते हैं, जिनकी मदद से हम कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस किसी सीरीज की चेक कर सकते हैं. तो हम सॉल्व करते हैं 11.5 का क्वेश्चन नंबर 4, दैट सेज टू चेक द कन्वर्जेंस ऑफ गिवन सीरीज विच इज एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 रेज टू द पावर एन. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ए एन है इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 रेस टू द पावर एन. जब आप इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तो क्वेश्चंस देखते ही आपको जनरल थोड़ा सा रफली आइडिया हो जाया करेगा
कि कौन सा टेस्ट यहाँ पे सूटेबल है, किस टेस्ट को अप्लाई करना हमारे लिए आसान रहेगा। तो यहाँ पे हम an+1 यानी कि an में आप जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 1 ऐड कर दें, तो an+1 हमारे पास आ जाएगी, 10^n+1। ओके, तो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं रेशियो टेस्ट। लेट से, तो रेशियो टेस्ट कहता है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी रेशियो ऑफ an+1 एंड an इक्वल्स टू, इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है। an+1 की वैल्यू है n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10^n+1 डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10^n। ओके, 10^n+1 को आप लिख सकते हैं 10^n(1), और इसी तरह n+1 फैक्टोरियल का मतलब है n+1 (n)फैक्टोरियल। जिस तरह आपके पास 10 फैक्टोरियल का मतलब होता है 10, फिर उससे छोटी टर्म आ जाती है आपके पास 9, फिर उससे छोटी टर्म 8, और इस तरह मल्टीप्लाई होते होते आप 1 तक आ जाते हैं। तो इसी तरह n+1 फैक्टोरियल का मतलब है n+1, फिर उससे एक टर्म छोटी यानी कि n। अगर हम इसको मज़ीद ओपन करें तो आप लिख सकते हैं फिर n-1 और इस तरह। तो हमारे पास ये टर्म बन जाएगी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n+1 (n)फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n+1 (n)फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10^n(10) डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ पे 10 और 10 कैंसिल हो जाएंगे, सॉरी 10^n है तो 10^n से कैंसिल होगा और n फैक्टोरियल भी कैंसिल हो जाएंगे, ये टर्म टर्न जो है एज इट इज रहेगा, और n+1 / 10 आ जाएगा आपके पास। अब n की जगह आप इन्फिनिटी पुट करें तो (infinity+1)/10 इक्वल्स टू इन्फिनिटी, आंसर आपके पास इन्फिनिटी आ रहा है। जब रेशियो या रूट टेस्ट में जब आपके पास आंसर जो है वो इन्फिनिटी आता है यानी कि ग्रेटर देन 1 आता है, तो सीरीज जो है वो डाइवर्जेंट होती है, हेंस इट डाइवर्जिस बाय रेशियो टेस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, हमें जो सीरीज गिवन है इस क्वेश्चन में, दैट इज एन इक्वल टू 1 to infinity नेचुरल लॉग ऑफ एन डिवाइडेड बाय एन। ओके, तो यहाँ पे लेट से अगर आपने प्रैक्टिस की हो तो आपको जनरली आइडिया हो जाना चाहिए कि यहाँ पे रेशियो टेस्ट जो है या रूट टेस्ट जो है इस क्वेश्चन में ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, उसको अप्लाई करने में हमें मसाइल का सामना होगा। लेकिन लेट से अगर हम इस क्वेश्चन को रेशियो टेस्ट से सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, तो रेशियो टेस्ट से जब हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो देखते हैं हमें किस पॉइंट पे जाके इस बात का अंदाज़ा होगा कि ये टेस्ट जो है रेशियो सॉरी ये जो क्वेश्चन है वो रेशियो टेस्ट से हम सॉल्व नहीं कर सकते, फिर हम किस तरह से दूसरे मेथड पे शिफ्ट होंगे। तो लेट से यहाँ पे an टर्म हमें गिवन है नेचुरल लॉग ऑफ n डिवाइडेड बाय n, और इसी तरह an+1 टर्म हमारे पास आ जाएगी, जहाँ पे भी n है उसमें 1 ऐड कर देंगे तो डिवाइडेड बाय n+1, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब हम रेशियो टेस्ट अप्लाई करते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1 / an = लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1 और an की वैल्यू पुट करते हैं, तो n+1 / n+1 / नेचुरल लॉग ऑफ n/n, तो ये हमारे पास आ गया। इसको अगर आप मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास बनेगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग ऑफ n+1 / n कॉमन ले लें तो यहाँ पे आएगा 1+1/n होल डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ n/n। n और n आपके पास कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, नेचुरल लॉग वाली टर्म को आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो 1+1/n आ जाएगा और साथ में नेचुरल लॉग ऑफ n आ जाएगा, फ्रैक्शन के ज़रिए ये जाके ऊपर डिनोमिनेटर वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें
तो अगर आप यहाँ पे लिमिट पुट कर दें इन्फिनिटी, तो यहाँ पे आपके पास आंसर जो है वो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है, ठीक है। तो जब आंसर आपके पास इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म आएगा, तो वहाँ पे आप क्या करते होते हैं, या तो कॉमन लेके कोई टर्म्स कैंसिल कर लें जो यहाँ पे नेचुरल लॉ की वजह से नहीं हो सकता, तो फिर दूसरा तरीका है कि आप यहाँ पे एल एच आर रूल, लॉ ऑफ टेल रूल जो है, या एल ऑफ टेल रूल जो है वो यहाँ पे आप यूज़ कर लें। तो एल हॉस्पिटल रूल अगर आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो नीचे अगर आप देखें तो आपके पास ऐसी टर्म्स हैं जहाँ पे आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, और फाइनली उसके साथ भी कोई जो आपके पास सिंप्लीफिकेशन है वो नहीं हो सकेगी, ठीक है। तो एल हॉस्पिटल रूल भी यहाँ पे इस केस में वर्क नहीं करेगा, तो आप कह सकते हैं कि रूट टेस्ट, सॉरी रेशियो टेस्ट यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा, तो इज नॉट वर्किंग। अच्छा, रेशियो टेस्ट काम नहीं कर रहा, तो हमारे जहन में आ सकता है कि चलो रूट टेस्ट लगा लेते हैं, यानी कि ए एन की पावर 1 ओवर n, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो क्यों ना हम इसको कैलकुलेट कर लें, लेकिन यहाँ पे जब आप होल पावर 1 ओवर n लेंगे, तो नेचुरल लॉग ऑफ n की पावर 1 ओवर n, इसको हम कैसे फिर सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे ये मसला आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पे नहीं अप्लाई कर सकते, यानी कि रूट टेस्ट भी हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं रहेगा। तो ऐसे केस में हम शिफ्ट हो जाएंगे टूवर्ड्स कंपेरिजन टेस्ट, ठीक है, जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़े थे, कंपेरिजन टेस्ट, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं कि चूज करते हैं एक रिजेंबलिंग टर्म, ठीक है, एक रिजेंबलिंग सीरीज हम चूज करते हैं। हमें जो यहाँ पे सीरीज गिवन है ए एन, यानी कि एंथ टर्म जो हमें गिवन है, डेट इज नेचुरल लॉग ऑफ एन डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। हम इस सीरीज को सॉल्व कर रहे हैं, तो इससे रिजेंबल करती हुई एक सीरीज हम चूज कर लेते हैं, विच इज 1 ओवर n, ठीक है जी। तो ये हम सीरीज चूज कर लेते हैं जिसकी nth टर्म बी एन इक्वल टू 1 ओवर n है, और कंप्लीट सीरीज हम अगर लिखें तो n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, बी एन इज इक्वल टू n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, 1 डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ से अगर आप इस सीरीज को देखें, तो ये आपके पास पी सीरीज है, ठीक है। पी सीरीज कौन सी सीरीज होती थी, जिसमें आपके पास बी एन इक्वल टू हो 1 ओवर n रेज टू द पावर पी, और इस केस में हमारे पास पी यानी कि पावर ऑफ एन क्या है, वो 1 के इक्वल है, और ये इसलिए पी सीरीज है। और इंटेग्रल टेस्ट से हमने फाइंड किया था कि जब आपके पास पी लेस देन 1 हो या इक्वल टू 1 हो, तो उस केस में सीरीज क्या होती है, सीरीज डाइवर्जेंट होती है, ठीक है। सो समेशन एन बी एन जो है, ये सीरीज जो है हमारी, ये डाइवर्जेंट सीरीज है, इसका बिहेवियर हमें ऑलरेडी पता चल चुका है। तो हम कैसी टर्म चूज करते होते हैं, कैसी सीरीज चूज करते होते थे कंपैरिजन टेस्ट में, एक ऐसी आसान सी सीरीज चूज करते होते थे जिसका बिहेवियर कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस हमें पता हो, ठीक है। तो हम ऐसी सीरीज चूज करते थे। अब अगर आप ए एन को और बी एन को कंपेयर करें, तो यहाँ से आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा कि ए एन इज ग्रेटर देन बी एन। ए एन क्यों है ग्रेटर देन बी एन, क्योंकि ए एन की वैल्यू आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ एन डिवाइड बाई एन है, और बी एन की वैल्यू 1 ओवर n है। तो ए एन के न्यूमिरेटर में आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ एन का एक फैक्टर जो है वो एक्स्ट्रा आ रहा है, सो ए एन जो है वो ग्रेटर देन बी एन है। बी एन जो है हमारे पास, समेशन बी एन जो है हमारे पास स्मॉलर सीरीज है, यानी कि 1 ओवर n जो है, और नेचुरल लॉग ऑफ एन डिवाइडेड बाई एन जो कि हमारे पास ए एन है, वो हमारे पास लार्जर सीरीज है, ठीक है, लार्जर सीरीज है। स्मॉलर सीरीज क्या कर रही है, स्मॉलर सीरीज डाइवर्ज कर रही है। जब स्मॉलर सीरीज डाइवर्ज कर रही हो, लेट से ये हमारी लार्ज सीरीज है ए एन, और इसका कोई छोटा सा पार्ट बी एन जो है वो डाइवर्ज कर रहा है, यानी कि अनडिफाइंड है, तो फिर लाजमी बात है कि जो बड़ी सीरीज है जिसके अंदर ये छोटी सीरीज लाया करती है, वो भी तो डाइवर्ज करेगी। कंपैरिजन टेस्ट हमें यही कहता था, हेंस समेशन अवर एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ए एन बेसिकली एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, नेचुरल लॉग ऑफ एन डिवाइडेड बाय एन आल्सो डाइवर्ज, ठीक है। यही तो हमें कंपैरिजन टेस्ट कहता था। अगर आपको मजीद इसके बारे में डिटेल जाननी है, तो आप लास्ट जो लेक्चर है उसको दोबारा एक दफा चेक कर लें। नाउ क्वेश्चन नंबर 4।
41. क्वेश्चन नंबर 41 में हमारे जो सीरीज गिवन है जिसको हमने स्टडी करना है, डेट इज एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एन रेज टू द पावर एन डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर एन स्केयर. ओके, तो ये सीरीज है. यहाँ पे देखें आप पावर्स में एन आ रहा है, तो यहाँ से फौरन आपके जहन में ये बात क्लिक करनी चाहिए कि यहाँ पे रूट टेस्ट जो है वो फ्रूटफुल होगा. रूट टेस्ट से आप इजीली आंसर कैलकुलेट कर सकेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे nth टर्म है हमारे पास n रेज टू द पावर n डिवाइड बाय 2 n स्क्वायर, और रूट टेस्ट आपको क्या कहता है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a n की पावर आप ले लें 1 ओवर n. तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a n है आपके पास, सॉरी a n है आपके पास n रेज टू द पावर n डिवाइड बाय 2 n स्क्वायर, और इसकी पावर आप ले लें 1 डिवाइडेड बाय n, यानी कि रूट ले लें. तो रूट टेस्ट के नाम से ही पता चल रहा है कि रूट लेना होता है, यानी कि 1 ओवर nth पावर लेनी होती है. तो अब 1 ओवर nth पावर को आप डिस्ट्रीब्यूट कर लें, n पावर n होल पावर 1 ओवर n डिवाइडेड बाय 2 n स्क्वायर होल पावर 1 ओवर n. तो n और n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे n है और यहाँ पे n स्क्वायर है, तो एक n कैंसिल हो जाएगा. तो ये आपके पास बचेगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर n. तो हमारे पास ये बच जाएगा. अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट पुट करें तो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है. ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एल हॉस्पिटल रूल जो है वो यूज करना पड़ेगा. तो अप्लाई करेंगे एल हॉस्पिटल रूल, हमारे पास लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a n होल पावर 1 ओवर n हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू लिमिट n approaches to infinity d by dn of numerator and d by dn of denominator. Okay, तो some constant 2, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखें derivative of 2 raised to the power n, तो ये basically आपके पास आएगा 2 raised to the power n into natural log of 2. यहाँ पे कौन सा formula apply किया है, a raised to the power x वाला, जिसमें ए एक्स इंटू एल एन ऑफ ए आता है हमारे पास. ठीक है, तो ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन 7th चैप्टर में जो हमने स्टडी किए थे वहाँ पे हमने ये डेरिवेटिव के फार्मूलाज देखे थे. तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी डेरिवेटिव ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू एन 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 एन इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2. अब अगर आप एन की जगह इन्फिनिटी पुट कर दें 2 रेज टू द पावर इन्फिनिटी इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2, 2 रेज टू द पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर इन्फिनिटी. ठीक है, इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय नेचुरल लॉग ऑफ 2 इन्फिनिटी के इक्वल होगा, ये आंसर हमारे पास आ गया इक्वल टू 0. जब आंसर आपके पास इक्वल टू 0 आ गया विच इज लेस देन 1, तो अकॉर्डिंग टू रूट टेस्ट जब आपके पास आंसर लेस देन 1 आए तो सीरीज जो है वो कन्वर्ज करती है, हेंस इट कन्वर्जेस बाय रूट टेस्ट. ओके स्टूडेंट्स, बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आप प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करें, और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं और काफ़ी ज़्यादा इसमें ब्रेन एक्सरसाइज जो है इन्वॉल्व है. आपने सारे जो मेथड्स हैं एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली अपने जहन में रखने हैं, और एक ही टाइम पे अपने जहन में प्रोसेसिंग करते हुए आपने ये मेथड्स जो हैं, ये टेस्ट जो हैं कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करने के, ये आपने अप्लाई करने होंगे. और अपना ख्याल रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद टेस्ट के साथ मिलते हैं. अल्लाह हाफिज़.